आज दिनांक 6 जुलाई 2021 मंगलवार को सुबह 11 बजे नैनवा सामुदायिक चिकित्सालय पर 3 सदस्य मेडिकल बोर्ड द्वारा नैनवा कस्बे के वार्ड नंबर 10 में अपने घर पर मृत मिली महिला शांता सरकार के शव का पोस्टमार्टम चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर समंदर लाल मीणा, डॉक्टर एल पी नागर, डॉक्टर पूर्वा शर्मा के निर्देशन में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान नैनवा थानाधिकारी ब्रिजभान सिंह मय जाप्ते के साथ उपस्थित रहे। मृत महिला के रिश्ते में भतीजे कुलदीप सोनी द्वारा मामले की जांच को लेकर पुलिस को रिपोर्ट दी गई। पोस्टमार्टम से पूर्व पुलिस व पालिका प्रशासन की गाड़ी द्वारा महिला के शव को सामुदायिक चिकित्सालय पर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। यह संदर्भ में नैनवा थानाधिकारी ब्रिजभान सिंह ने बताया कि कल शाम को जब सूचना मिली कि नैनवा कस्बे के वार्ड नंबर 10 में एक मकान में बदबू आ रही है, तो मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की गई। घर में प्रवेश करने के बाद महिला का शव चादर में बंधा हुआ मिला। शव की पहचान उसके परिजन कुलदीप सोनी द्वारा शांता सोनी के रूप में की गई। आज 3 सदस्य की मेडिकल बोर्ड की देखरेख में शव का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच को लेकर टीम का गठन किया गया है। टीम द्वारा मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश की जाएगी। बूंदी से विजय डोमेला की रिपोर्ट। शाम को 5 बजे करीबन की बात है कि तो दो चार मोहल्ले वाले हमारे घर पे गए, भाई आपके ताई जी के मकान में से बदबू आ रही है और 2-4 दिन से ताई जी नजर भी नहीं आ रहे हैं। तो फिर हम लोग वहाँ घर पे गए तो मोहल्ले वालों ने इन्होंने पीछे की छोटी सी खिड़की थी तो खिड़की को तोड़ के देखा तो अंदर में के अंदर कमरे के अंदर चादर में लिपटा हुआ कुछ लाश के जैसे नजर आया। फिर हमने उसके बाद थाने में सूचना दी। फिर पुलिस वाले आए तो पुलिस वालों ने जो पीछे के गेट पर ताला लगा हुआ तो सामने वाला जो गेट है साइड के कमरे का तो उसके अंदर से तार बंधा हुआ था। तो उस तार को तोड़ के जब अंदर गए और अंदर जाके देखा तो अंदर में ताई जी की लाश चादर में बंधी हुई पड़ी। कितने दिनों से ताई जी बाहर नहीं निकले थे? अब ये तो हमको तो कन्फर्म है भी, बाकी दूध वाले से पूछा था तो दूध वाला बता रहा है कि मैंने लास्ट बार 2 तारीख को दूध दिया था उनको, उसके बाद से वो नजर नहीं है। टेलीफोन से इतला मिली थाने पर कि एक कमरे में जो कि वार्ड नंबर 10 में है उसमें बदबू आ रही है। इस इतला पर मैं जाप के मौके पर पहुँचे, घूम फिर के देखा तो उसमें कंबल में चद्दर में लिपटी हुई कुछ दिखाई दी। उसके बाद मैंने इसका गेट का जो पीछे बंद था अंदर से उसको तोड़वाया जाकर अंदर देखा तो उसमें एक महिला की बॉडी उसमें लिपटी बंधी हुई पड़ी। उसको हमने देखा तो उसकी पहचान सुंदर जी की उनके पड़ोसी रिश्तेदारों को बुलाया है तो उनके मौसी उनके छोटे भाई के लड़का कुलदीप ने आइडेंटिफाई किया कि वो मेरी वो है ताई है जो ये शांता सोनी उसकी बॉडी है। इस संबंध में उसने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसने रिपोर्ट की कि किसी ने मेरी ताई का किसी को किस तरीके से मारा है तो मेरे पता नहीं मेरे दोस्त को मारने के लिए बताई गई है। परिजनों द्वारा अच्छा आशंका जताई गई है।